मानव जैसा आज दिखता है, क्या वह पहले से ही ऐसा था या उसमें अनेक परिवर्तन आए? आपको आज मानव के प्राचीन काल की विशेषताओं से अवगत कराएंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको मानव की अनेक प्रजातियों के बारे में बताएंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। आज के मानव की अनेक प्रजातियां हुआ करती थी, जो कि समय के साथ परिवर्तित होती रही। आधुनिक मानव को होमो सेपियंस नाम दिया गया। इसकी अनेक प्रजातियां थी, मुख्यतः यह तीन प्रकार की थी। होमो हैबिलिस, जो कि औजार बनाते थे, यानी उस प्रजाति ने औजारों का निर्माण किया। दूसरे थे होमो इरेक्टस, जो प्राय सीधे होकर पैरों के बल चलते थे। और तीसरे यानी हम होमो सेपियंस, यानी आधुनिक चिंतनशील मानव। माना जाता है कि होमो हैबिलिस के जीवाश्म इथियोपिया से मिले हैं, तथा होमो इरेक्टस के प्राचीनतम जीवाश्म अफ्रीका और एशिया दोनों उपमहाद्वीपों में मिले हैं। यानी माना जाता है कि हमारे पूर्वज अफ्रीका से अपनी जरूरतों के हिसाब से चलते चलते उत्तरी तथा दक्षिणी अफ्रीका की ओर और उसके बाद पश्चिमी एशिया की ओर आगे बढ़े। इतना चलते चलते उन्हें लगभग 20 से 25 लाख वर्ष तक का समय लग गया था। यह प्रजाति लगभग 10 लाख वर्ष पहले तक जीवित रही थी। आधुनिक मानव का उद्भव का प्रमाण अफ्रीका से मिलता है। आज जिस मानव को हम देख रहे हैं, यह क्षेत्रीय विविधताओं का परिणाम है। आधुनिक मानव के उद्भव के दो मत प्रचलित है। पहला मत क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल माना जाता है। इसके अनुसार अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्यों की उत्पत्ति हुई थी। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले होमो सेपियंस का आधुनिक मानव के रूप में विकास धीरे धीरे अलग अलग प्रकार में हुआ था। और दूसरा मॉडल यह है प्रतिस्थापन मॉडल, यानी इस मॉडल के अनुसार मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान पर हुआ। प्रतिस्थापन मॉडल में यह कल्पना की गई है कि मानव के सभी पुराने रूप, चाहे वह कहीं के भी थे, बदल गए और उनका स्थान पूरी तरह आधुनिक मानव ने ले लिया। इस विचारधारा का समर्थन इस साक्ष्य से होता है कि आधुनिक मानव के सर्वत्र शारीरिक और जननिक समरूपताएं पाई जाती है, जो कि उनके पूर्वजों की रही होगी। उनके पूर्वज ठेकी स्थान पर अफ्रीका में उत्पन्न हुए थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें।